अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जी आज मैं आपके साथ एक नई रेसिपी जी लेके आई हूँ, ठीक है जी। तो ये रूटीन में आपको दिखा रही हूँ और भी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, कोई भी छोटी मोटी, ठीक है जी। तो आज जी मैं वेजिटेबल वाले चावल बना रही हूँ, तो चले गाइस फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देख ले जी, प्याज मैंने थोड़े से लाइट ब्राउन कर ली, अभी हो रहे थोड़े, इसमें ज़ीरा एक चम्मच भर के, दो चम्मच तेज़ पत्ते, दो चम्मच कैरी सॉरी दो तेज़ पत्ते ऐड किए हैं, दो चीनी दाल स्टिक दालचीनी की स्टिक डालनी है और दो बड़ी इलायची डालनी है, बड़ी इलायची और एक छोटी इलायची ऐड कर दी, मिक्स कर रही हूँ। अब मेरी लाइट ब्राउन कर लेते। तो ये देख ले, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने ऐड कर दिया, तो टमाटर ऐड कर दी, दो टमाटर गाइस डाल दूँ इसमें, ठीक है। इसमें ज़्यादा टमाटर ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं, अगर आपने डालना है एक तो एक भी डाल सकते हैं, ये भी कोई मसला नहीं, लेकिन दो तीन तो डालनी चाहिए। ये ऐड कर दी, मिक्स कर लूँ, बड़े सादा सिंपल तरीके से, तो बड़े अच्छे चावल बनेंगे। तो हरी मिर्च कट लगा के ये भी ऐसे ही ऐड करनी, ये अभी दूसरे मसाले ऐड करेंगे जी। मैंने मसाले इसमें ऐड कर दिए हैं, ठीक है जी। एक चम्मच भर के लाल मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच सूखे धनिया का पाउडर, तो एक चम्मच भर के नमक, ठीक है। और अब इसमें हम सब्जी ऐड करेंगे, ये देखिए सारी वेजिटेबल, कुछ और सब्जियाँ मैंने इसमें ऐड करने थे, बस वो मुझे मिली नहीं, तो इसलिए फिर मैंने ये वाली कर ली। और भी बड़े अच्छे बनेंगे चावल, टेस्टी मज़े के। तो ये देख ले जी, सब्जी को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया, ठीक है जी। और अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। तो ये देख ले जी, ये आई है नीचे से जी मिठाई। तो ये जी मेरी छोटी भाभी ने ली है मशीन, तो कपड़े वॉश करने वाली। तो जी मैंने कहा चले जी गाइस के साथ भी, तभी आपको गाइस दिखाएंगे। तो जी एक मैं अपने लिए, मेरे लिए, मुझे लड्डू पसंद था, तो जी मेरे लिए उन्होंने लड्डू भेजा, तो बाकी सबको जलेबी खानी थी, वो जलेबी मंगवाई, ठीक है जी। जो आपको भी मशीन भी दिखाएंगे फिर। तो ये देख लें जी, पानी को बॉयल आ चुका है, चिकन क्यूब्स जी मैं ऐड करने लगी हूँ, ठीक है जी। जी थोड़ी सी हम काली मिर्च इसमें ऐड करेंगे, ठीक है जी। तो ये भी अच्छा फ्लेवर देगी इसको चावलों को। और थोड़ा सा जी नमक ऐड करेंगे, नमक मुझे कम लग रहा है। तो बाद में आपको दिखाते हैं, देख ले गाइस चावल हमारे हो चुके हैं। तो अब मैं दम पे रखूँगी, ये देख ले, तो फिर आपको दिखाएंगे। तो ये देख ले गाइस, मैंने दम से उतार लिए, ठीक है। तो अभी आपको प्लेट बना के दिखाते हैं फिर कैसे मज़े के लग रहे हैं। ये देख ले गाइस, मैंने रायता भी साथ बनाया, ठीक है। तो इसमें मैंने खीरे काट के ऐड कर दिए, ठीक है, मज़े का लग रहा है। तो ये देख लीजिए चावलों की लुक, देखिए जी कितनी मज़े की लग रही है। तो ऊपर मैं रायता डालती हूँ, तो गाइस देख लें कितनी मज़े की लुक लग रही जी। किसी जिस किसी ने खाने हैं जी, तो जी आ सकते हैं, तो जिस किसी ने खाने हैं तो वो जी घर बना सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आज की जी ये थी वीडियो मेरी, तो सॉरी जी मशीन तो रहेगी आपको दिखानी, देख ले जी ये है जी मशीन, ठीक है जी, कपड़े वॉश करने वाली। तो अभी ऊपर से गत्ता उतार के आपको दिखाते हैं। तो ये देख ले जी, ये है मशीन जी, तो ये देख ले कितनी प्यारी है, तो जी अच्छी बनी है जी, खुदा इनके नसीब करे, ठीक है जी। ये स्पिनर है, हाँ दानिश खोल के दिखाओ बेटा, ये जी स्पिनर है, ये जी साथ हैं, दिखा दो दानिश आप, ये चुटकियों का जी पैक उन्होंने दिया, ठीक है। ये जी धोने वाली है, हाँ स्पिनर का रख दो, जाली स्पिनर पाइप है, ये पाइप है। तो नीचे करो बता नहीं छोड़ दो, तो देखें गाइस अच्छी बनी है, ठीक है जी। तो ये जी कंपनी है सुपर एशिया, छोड़ दो उसके साथ और अटक लो, चल अब बंद कर, चल। तो ये जी सुपर एशिया है, तो ये जी काफ़ी ब्रांड है, ये भी अच्छा ब्रांड है। तो ये है जी शेर। तो ये थी जी मेरी छोटी सी वीडियो, उम्मीद करती जी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो जी फिर से आपको जी अस्सलाम वालेकुम जी। तो मेरे के पहले तो मैंने वैसे ही आपको यानी कि अपना फेस नहीं दिखाया, तो बस बहुत अभी भी तबीयत कुछ बेहतर नहीं लग रही, लेकिन फिर भी चले खुदा का शुक्र है, तो बेहतर ही
लगनी चाहिए। तो जी उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो जी आपको ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ जी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें जी। प्लीज़ वीडियो भी देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब लाइक जी ज़रूर किया करें। बस जी जो मसला है वो सब्सक्राइब लाइक का ही है, ठीक है जी। तो प्लीज़ जी वीडियो ज़रूर देखा करें, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।